बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर कसा शिकंजा, एनसीबी ने दीपिका पादुकोण सहित कई अभिनेत्रियों को भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया। आज रकुलप्रीत सिंह और सिमोन कंबाटा से एनसीबी करेगी पूछताछ, कल ही दोनों को भेजा गया था समन। बीती रात हैदराबाद से मुंबई लौटी रकुलप्रीत, वहां एड फिल्म की शूटिंग में थी बिजी। 25 सितंबर को होगी दीपिका पादुकोण से पूछताछ। क्वाइन की मैनेजर करिश्मा के साथ चैट में ड्रग्स कनेक्शन का हुआ था खुलासा। वहां से दीपिका आज दोपहर 12:30 बजे चार्टर प्लेन से मुंबई लौटेंगी, अपने वकीलों से करेंगी सलाह मशवरा। गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही है दीपिका पादुकोण, एनसीबी के समन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से की बात। ड्रग्स कनेक्शन में श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ करेगी एनसीबी। फिल्म छिछोरे में सुशांत की कोस्टार रह चुकी है श्रद्धा। श्रद्धा कपूर से 26 सितंबर को होगी पूछताछ, एनसीबी को मिले हैं ड्रग्स लेने के सबूत। अभिनेत्री सारा अली खान से भी होगी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ, एनसीबी ने घर भिजवाया समन। सारा अली खान से 26 सितंबर को होगी पूछताछ, सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स लेने के आरोप, रिया भी बता चुकी है नाम। सुशांत की मैनेजर रही श्रुति मोदी से भी आज पहली बार एनसीबी करेगी सवाल जवाब, हो सकते हैं बहुत सारे खुलासे। ड्रग्स के दलदल में फिल्म के बाद टीवी सितारों का भी नाम सामने आया, सनम जौहर और अभिगेल से कल एनसीबी ने 3 घंटे तक पूछताछ की। ड्रग्स कनेक्शन पर अभिनेत्रियों से पूछताछ के बीच एनसीबी की बड़ी तैयारी, मुंबई में कुछ और जगहों पर होगी छापेमारी। एनसीबी के एक्शन पर कंगना रनौत ने किया ट्वीट, लिखा पहली बार बॉलीवुड माफिया को अपनी क्रूरता और चुप्पी पर अफसोस हो रहा है। फिल्म अभिनेत्री नगमा ने कंगना पर सादा निशाना ट्वीट करके कहा वो ड्रग्स लेने की बात कबूल कर चुकी है, उन्हें एनसीबी क्यों नहीं समन भेजती। रिया शौबे की जमानत याचिका पर आज हो सकती है सुनवाई, कल मुंबई में भारी बारिश की वजह से हाईकोर्ट में नहीं हुई जरह। जमानत याचिका पर फिर रिया ने चली चाल, कहा सुशांत अपने स्टाफ से ड्रग्स मंगवाकर खुद करते थे इस्तेमाल। बॉम्बे हाईकोर्ट में दी गई जमानत याचिका में रिया का आरोप, जांच एजेंसियों ने उनका अन्वेषण शुरू कर दिया है। अनुराग कश्यप का नाम लेकर अभिनेत्री पायल घोष का बड़ा आरोप, ट्वीट कर कहा अगर मेरी लाश लटकी हुई मिले तो याद रखें कि मैंने खुदकुशी नहीं की। पायल घोष ने ट्वीट करके आरोप लगाया, कहा उनके पास डिप्रेशन और इलाज का नैरेटिव तैयार। मुंबई पुलिस में एफआईआर के बाद पायल घोष ने किया एनसीबी का रुख, अनुराग कश्यप पर मैरिजुआना लेने का लगाया आरोप। ड्रग्स कनेक्शन पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, बॉलीवुड सितारों की भागीदारी समाज के लिए खतरनाक। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीआरओ के बनाए 43 पुलों का करेंगे उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल तक बीआरओ ने बनाए हैं पुल, त्वांग जाने वाली सड़क पर टनल की रखेंगे आधारशिला। लद्दाख में वायुसेना ने दिखाया दम, लड़ाकू विमान राफेल ने फॉरवर्ड एयरबेस से के ऊपर भरी उड़ान। कृषि बिल को लेकर विपक्ष का विरोध जारी, राष्ट्रपति से मुलाकात कर इसे वापस करने की मांग की। विपक्ष ने राष्ट्रपति से लगाई गुहार, कृषि बिल को बताया गैर कानूनी, सरकार को करनी चाहिए थी चर्चा। टेंपल है उसी में कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई गई, इसीलिए यह हमने जो रिप्रेजेंटेशन दी है सब पार्टीज ने मिलके। बिल के विरोध में पंजाब में किसानों का प्रदर्शन तेज, आज लुधियाना दिल्ली रेलवे रूट को करेंगे ब्लॉक। 25 सितंबर को किसान संगठनों और सियासी दलों का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, 31 संगठनों ने किया है ऐलान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कांग्रेस एसपी और बीएसपी पर निशाना, कहा किसान बिल पर फैला रहे झूठ। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने को पुलिस ने रोका, कहा सुनी के दौरान लगा लंबा जाम। अंबाला में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया, कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। मुलाना में स्वाभिमानी किसान संगठन के सदस्यों ने खुद को जमीन में गाड़ कर किया प्रदर्शन, बर्बाद फसल के लिए मुआवजा नहीं मिलने से नाराजगी। गुरदासपुर में सनी देओल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पोस्टर पर पोती कालक। चुनाव आयोग 1 हफ्ते के अंदर बिहार चुनावों का कर सकता है ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। जानकारी के मुताबिक बिहार में 3 चरणों में कराए जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा ने फिर की टिकट की दावेदारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात, कहा उन्हें मिला भरोसा जेडीयू से ही लड़ेंगे चुनाव। बिहार चुनाव में प्लूरल्स पार्टी से खुद को सीएम उम्मीदवार बताने वाली पुष्पप्रिया दरभंगा पहुंची, कहा आज से बदलाव का मौका नहीं जाने देंगे। नियोजन नीति के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा झारखंड सरकार, शिक्षक बहाली को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को करेगा चैलेंज। कनौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा बयान, कहा बॉलीवुड का सांप्रदायिकरण हुआ, एक वर्ग विशेष के लोगों को अच्छा दिखाया गया।
विशेष के लोगों को एक ईमान का पक्का दिखाते हैं, धर्म विशेष के लोगों को धार्मिक दिखाते हैं, जिस प्रकार से जनेऊ पहन के बलात्कार कर रहा है, डकैती डाल रहा है, अपराधी दिखाए जाते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सुब्रत पाठक के बयान का समर्थन किया। अध्यक्ष नरेंद्र गिरी बोले, दूसरे धर्मों के कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हो पाते सफल। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मिलने पीटीआई शिक्षकों के साथ धक्का मुक्की, बहाली की मांग की। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 38 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध, खट्टर सरकार से नाराजगी। सूरत के औद्योगिक क्षेत्र हजीरा में ओएनजीसी प्लांट में भीषण आग, कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी। धमाके के साथ ओएनजीसी प्लांट में भड़के शोले, कई किलोमीटर दूर तक दिखी आग की लपटें। ओएनजीसी प्लांट में आग लगने की वजह से अब तक नहीं आग पर काबू पाया जा सका। गाजियाबाद के विजयनगर थाने में पुलिस हिरासत में युवक ने की खुदकुशी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। आसनसोल में बैंक अधिकारी को बदमाशों ने मारी गोली, आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं। कोरोना से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाड़ी की मौत, दिल्ली के एम्स में चल रहा था इलाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने भी बताया दुखद। देश में कोरोना का कोहराम जारी, 83,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 57 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 21,029 नए केस सामने आए, 12,63,799 केस हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,714 नए मामले दर्ज किए गए, 2,57,000 से ज्यादा हुई मामलों की तादाद। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 7 राज्यों के साथ की बैठक, मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य को लेकर हुई चर्चा। राज्य के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने टेस्टिंग पर दिया जोर, कहा बिना किसी लक्षण के आ रहे हैं कोरोना के मरीज। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की रोकथाम में यूपी सरकार की जमकर तारीफ की, कहा योगी जी और उनकी टीम बेहतर काम कर रही है। नोएडा में प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की मुहिम, अभियान कॉफी विद कलेक्टर की शुरुआत। पटना से नीट की परीक्षा देकर मुजफ्फरपुर लौटी छात्रा की कोरोना से मौत, 3 घर वालों की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। शिमला के अस्पताल में कोरोना पीड़िता की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। शिमला में मास्क नहीं पहनने वालों पर पुलिस की सख्ती, बिना मास्क के टहलने वालों पर लगाया जुर्माना। संभल में अवैध रूप से कमाई संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क, बारात निकाल कर की कार्रवाई। रामपुर में पुलिस ने बरामद किए 51,000 से ज्यादा के नकली नोट, एक आरोपी गिरफ्तार। गुना में एक शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की नाक काटी, कुल 3 लोगों पर केस। दरभंगा में महिला पुलिस का संगीन आरोप, आईजी दफ्तर के रीडर पर अवैध रिश्ता बनाने का लगा इल्जाम, धमकाने की भी शिकायतें। ग्रेटर नोएडा में दनकौर में बुजुर्ग को घसीटने और पिटाई का वीडियो सामने आया, 2 सगे बेटों पर ही आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में वन विभाग के गश्ती दल पर खनन माफियाओं का हमला, अपराधियों को पकड़ने का अभियान तेज। रांची में करोड़ों की ड्रग्स की खेप बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में बीजेपी की महिला पदाधिकारी ने अपने ही सीनियर पर लगाया यौन शोषण का आरोप, विरोध करने पर हमला, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। महाराष्ट्र के गोंदिया में मवेशियों के लिए चारा लाने गए 5 युवक नाले में बहे, लोगों ने 2 को बचाया, 3 का अभी तक सुराग नहीं। अमरावती में शानूर नदी की उफनती लहरों का शिकार हुआ एक शख्स, फौरन स्थानीय युवकों ने नदी में कूदकर बचाई उसकी जान। छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले में बांध टूटा, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में लैंडस्लाइड से बढ़ी आफत, मलबा गिरने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। उज्जैन में कल से हो रही बारिश में क्षिप्रा ने धरण किया रौद्र रूप, पानी में डूब गए सारे मंदिर। नोएडा की दादरी में सेक्टर 58 क्षेत्र में आग की 2 घटनाएं, तहसील की पुरानी इमारत और फैक्ट्री में शोलों से हड़कंप। विशाखापट्टनम में जान गंवाने वाले नौसेना के जवान का पार्थिव शरीर फतेहपुर लाया गया, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। अब हरदोई में बनेगी विश्व प्रसिद्ध ब्रिटेन की वेबली एंड स्कॉट कंपनी की पिस्तौल, सनीरा इंडस्ट्रियल एरिया में शुरू हुआ यूनिट। गाजियाबाद में 2 रेलवे ट्रैक के बीच में एक शख्स ने भगाई कार, भीड़ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बलिया में गरीब महिलाओं के नाम पर धोखाधड़ी का खुलासा, फर्जी बैंक अकाउंट के जरिए 17 लाख से ज्यादा का अवैध लेन देन। रोहतक के पीजीआई में नर्सिंग कॉलेज के लेक्चरर ने जहर खाकर की खुदकुशी, कार में मिला शव, मौके से सुसाइड नोट बरामद। रोहतक में पेट्रोल पंप से 23,000 रुपए की लूट, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। धनबाद में लड़कियों को झांसा देकर यौन शोषण करने वाला ब्लैकमेलर गिरफ्तार, पीड़ित ने दर्ज कराया बयान।
सूरत में ड्रग्स कारोबार का पर्दाफाश, कई ठिकानों पर छापामारी, करोड़ों रुपए की एमटी बरामद। साल एक महीना पहले 15 अक्टूबर से ही खुलेगा कॉबेट नेशनल पार्क, शुरू हुई बुकिंग। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ के शाहपुर और गन्नी सेक्टर में गोलीबारी जारी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई, मऊ में गैंग के करीबी के 39 लाख की संपत्ति कुर्क। मेरठ में दो गुटों में खूनी झड़प, फायरिंग की भी खबर, 3 बच्चों समेत 12 लोग घायल। देहरादून में जौहरी से लूटपाट, बाइक सवारों ने की फायरिंग, जेवरों से भरा बैग लेकर फरार। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बंदूक की नोक पर लाखों की डकैती, रात के अंधेरे में वारदात को दिया गया अंजाम। गुजरात की रिफाइनरी में 17,825 करोड़ रुपए का निवेश करेगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कई नए सेक्टर्स में एंट्री करेगी IOC। रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी खरीदेगी, KKR 5,500 करोड़ में होगा सौदा। SBI के बाद HDFC ने भी जारी किए लोन रीस्ट्रक्चरिंग के नियम, 2 साल लोन की अवधि बढ़ाकर EMI में कुछ समय के लिए मिलेगी मोहलत। SBI चेयरमैन ने किया ब्याज दर में कटौती से निवेश नहीं बढ़ने का दावा, कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से ही होगा आर्थिक विकास। कई फर्स्ट इन सेगमेंट्स फीचर्स के साथ लॉन्च हुई फोर्ड एंडेवर स्पोर्ट्स एक्स शोरूम, कीमत 35 लाख रुपए। दुनिया भर में 3,18,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक करीब 9,76,000 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 71 लाख से ज्यादा हुई कोरोना मरीजों की संख्या, 2,06,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में पुतिन ने कोरोना के रूसी वैक्सीन की जमकर तारीफ की, कहा दुनिया के सभी देशों के साथ बांटने के लिए तैयार। यूक्रेन की सेना ने किया बड़ा मिलिट्री ड्रिल, रूस के युद्धाभ्यास का दिया जवाब। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग न्यू हैम्पशायर से उड़ान भरते ही एक पक्षी से टकराया था प्लेन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।